हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल इडुचैंप लाइव क्लासेज जैसे कि आप लोगों को पता है कि सी का जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार जो है दो साल बाद में हुआ था और मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने जो नोटिफिकेशन डाला है 2019 का उसमें जो आपने डेट मेंशन करी वो किस बेसिस पे मेंशन करी तो दोस्तों ला इस ईयर जो दो में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो डिले हो चुका था इस वजह से जो आपका नोटिफिकेशन भी डिले आया था और जो आपका एग्ज़ाम भी है ना उसकी डेट्स भी है। जो सेप्टेम्बर में एग्जाम होने वाला था वो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ तो थ्री मंथ्स का जो है डिफरेंस लग गया था इस वजह से आपका जो दो में है नोटिफिकेशन लेट जारी होता था लेकिन जो दो में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा ठीक है इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे और किस तरह मतलब कि कौन अप्लाई कर पाएगा कितनी एज लिमिट है आप कितनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उसमें तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ठीक है तो सी का जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो होता है दो पेपर होते हैं इसमें एक होता है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है और एक सिक्स टू एट्थ क्लास तक होता है जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू अगर आप लोग पास करते हैं तो केवीएस एनवीएस जो भी ये टीचिंग वैकेंसीज निकलती हैं और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो टीचर की जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए अप्लाई कर पाए ठीक है थीके? तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इस बार जो है एग्जाम है आपका अगस्त में या सितंबर में हो जाएगा तो इसके नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी हो जाएंगे तो अपन जान लेते हैं इसकी कंप्लीट जो है एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया क्या है ठीक है तो इसके लिए जो मेन जो क्राइटेरिया है वो तो है कि आप जो एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर एजुकेशन में आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ये डिप्लोमा और जो ग्रेजुएशन है कई तरह से होता है जैसे कि एक होता है ट्वेल्थ के साथ जो लोग हैं बाद में जो अप्लाई करते हैं विद ग्रेजुएशन प्लस बीएड के के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है और एक होता है चार साल का जो डिप्लोमा होता है आ, वो भी ट्वेल्थ के बाद में होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है तो ये बीएड का चार साल वाला जो क्रॉस होता है कोर्स होता है वो भी होता है और एक जो डिप्लोमा में है वो भी चार साल का क्रॉस होता है कंफ्यूजन ये होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है हमें डिप्लोमा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये सारे जो भी हैं क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए कौन एलिजिबल होगा तो जो उम्मीदवार सी की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% परसेंट मार्क्स होने चाहिए पहले तो आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, में अगर आप उससे पास हो गए हैं या फिर एग्जाम जब दे रहे हैं तो आपका वो फाइनल ईयर हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे तो एक क्लियर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा हो आपका नेक्स्ट अपना उम्मीदवार सेक, सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष मेन न्यूनतम जैसे कई स्टेट्स में जो होता है कि उनका जो उस टेंथ के बाद में डायरेक्ट वो होती है यूनिवर्सिटी होती है जैसे कि कर्नाटका बोर्ड में आई थिंक उनका जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है उनका वो यूनिवर्सिटी तो उनको भी कंफ्यूजन रहता है तो सीनियर सेकेंडरी जो होता है कि ट्वेल्थ मतलब टेंथ प्लस टू है ना उसमें आपके फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए अंकों के साथ एन सी टी ई रेगुलेशन दो हज़ार दो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा जो होता है आपका वो होना चाहिए ठीक है तो ये होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर उम्मीदवार के पास ट्वेल्थ और उसके समकक्ष में न्यूनतम फिफ्टी परसेंट और साथ में यहाँ उनके फोर ईयर्स का जो uh, होता है बी एल ई डी मतलब कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो अगर उसमें आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है मैंने इसको ऑफिशियली मतलब जो नोटिफिकेशन है वहीं से इसकी डिटेल रे, निकाली है ठीक है तो अगर भी आप भी आपको को comment, मतलब कोई कमेंट मतलब कि कोई क्वेरी हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट ये अपना उम्मीदवार के पास सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम फिफ्टी परसेंट मार्क्स हो और शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा हो ठीक है आपके कितने दो वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में आपका जो होता है डी स्पेशल जो एजुकेशन में होता है वो आपके पास होना चाहिए या फिर आप उसमें या तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए या वो पास्ड होने चाहिए तो ये आपका है उसके बाद में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन भी कर रख आपने बी भी कर मतलब स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बाद में अगर आपने दो वर्ष साल का जो डिप्लोमा होता है अपना वो कर रखा है तो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं नेक्स्ट सिक्स टू तो जो पेपर टू होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन जान लेते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप ग्रेजुएशन के साथ आपका दो वर्ष डिप्लोमा हो है ना ग्रेजुएशन के साथ दो वर्ष का डिप्लोमा हो गया उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन में फिफ्टी मार्क्स हैं और आपने डिप कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते ग्रेजुएशन बी या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा दो चीज़ें ये क्लियर हो गई फिर उम्मीदवार अगर आपने स्नातक कर रखा है और एक वर्ष का जो बीएड होता है अगर आपने एक वर्ष का बीएड कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं लेकिन इसमें आपके ग्रेजुएशन में अगर 45 परसेंट मार्क्स हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे और उम्मीदवार के उस नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है आपका जो है सीनियर सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी में आपका 50 परसेंट होना चाहिए और आपके पास चार वर्ष का जो बी एल ई डी होता है ट्वेल्थ के बाद में जो अपना होता है चार साल का कोर्स होता है बी एल ई डी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वो आपका अगर पास कर लिया या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो कॉमन जो वो चीज़ है कि आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो आप सिक्स टू एट्थ के लिए एलिजिबल होंगे ठीक है ट्वेल्थ में एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी जो ग्रेजुएशन के साथ दो वर्ष का डिप्लोमा चलेगा ट्वेल्थ के साथ दो साल का डिप्लोमा नहीं चलेगा इसमें ठीक है उसमें आपका चार साल का कम से कम कोर्स होना चाहिए तभी आप सिक्स टू तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे नेक्स्ट है अपना फिफ्टी जो ग्रेज सीनियर सेकेंडरी में आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स हैं या फिर फिर उसके साथ में आपने चार साल का बी ए बी एस सी एड जैसे कि होता है बी ए बी एड होता है साथ में होता है ना बी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में या, कर रखा है आपने बी ए बी मतलब ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डिप्लोमा का जो पाँच साल का चार साल का जो भी आपका कोर्स होता है अगर आपने वो कर रखा है तो भी आपके इसके लिए एलिजिबल हैं ठीक है तो आपका इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपका जो एक वर्ष या दो वर्ष या का जो अगर डिप्लोमा या फिर वो कोर्स है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन या एजुकेशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ठीक है अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं ये थी और इसमें ये भी है कि आप कितनी बार अटैम्प कर सकते हैं तो दोस्तों इसको ये इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप कितनी बार भी इस एग्जाम को इम्प्रूव अगर आपके 60 परसेंट मार्क्स आ गए फिर भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं आयु सीमा इसमें मिनिमम एटीन ईयर्स है और इसमें मैगजिमम एज लिमिट दी नहीं गई है जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हम आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे तब तक एडियूचंप लाइव क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट इफॉर्मेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँचती रहे ठीक है थैंक यू गुड बाय टेक केयर